السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ اسلامی بھائیو بالخصوص میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین پردہ نشین میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا عظمتوں کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی نظام کائنات چلا رہا ہے بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات تاریخ بیت المقدس کی تیسری نشست لے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے قبل اول کی تاریخ کو سننے کی سمجھنے کی اور اس سے ملنے والے واعظ و نصیحتوں کو اپنے زندگی میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرما. حضرات اس سے پہلے نشست کے اندر ہماری گفتگو کا اختتام جس بات پر ہوئی تھی وہ یہ کہ غالباً سن 135 عیسوی میں قبل مسیح نہیں یہ عیسوی کی بات ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے غالباً 135 سال بعد
यहूदा और ईसाई ये दोनों आपस में लड़े, इनकी आपसी लड़ाइयों ने इन्हें कमजोर किया, इन्हें तोड़ा। उस वक्त रोमान की हुकूमत थी, रोमानियों की हुकूमत में यहूदियों और ईसाइयों में बंटवारा हुआ, ये दो टुकड़ों में बट गए। यहां तक कि रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आई, अर्श वाले ने इस्माइलियों में अपने आखिरी पैगंबर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, अब यहां से इस्लामी हुकूमत शुरू होती है। अब जब इस्लामी हुकूमत की इब्तिदा हुई, शुरुआत हुई, तो रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को बैतुल मक़दिस का तआरुफ करवाया, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान बताई। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो जात जिसने अपने बंदे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का रातों रात सैर कराया, जबकि मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस की मसाफत तकरीबन 2 महीना है। मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस 2 महीने की मसाफत की दूरी पर है। रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को एक ही रात में इतना लंबा सफर करवाया। मजीद तारुफ करवाया, मेरे पैगंबर ये वो मुकद्दस जगह है, ये वो नबियों की पाकीजा जगहें हैं जहां पर रब्बुल आलमीन के तरफ से रहमतों बरकत की बरखा बरसती है, लाखां करोड़ां उसकी जानिब से रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। और आए पैगंबर, ये मुकद्दस जगहें जिसकी तारुफ मैं करा रहा हूं इसलिए ताकि हम तुम्हें अपनी निशानियां बताएं, अपने कुदरत के अलामात दिखाएं, अपनी कारीगरी बताएं। और उसी बैतुल मक़दिस के बाजू ही में कुबतुस सखरा नामी एक बहुत बड़ा चट्टान है, जहां से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में सातों आसमान का और जन्नत और जहन्नम की तफरी किया, सैर किया, उसी कबतुस सहरा जो कि यहूद का किबला है, ईसाइयों का, नसरानियों का, क्रिश्चनों का किबला बैतुल मक़दिस है, हम मुसलमानों का किबला भी बैतुल मक़दिस ही था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि ये दोनों अहले किताब, ईसाई भी अहले किताब, नसरानी भी अहले किताब, यहूद भी अहले किताब हैं, दोनों अहले किताब होने के बावजूद जब एक किबले पर इनका इत्तेफाक नहीं है, यहूदियों ने अपना किबला कुब्बा कुब्बतुस सखरा को बनाया, ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस को बना लिया है, तो इस्माइलियों तुम एक किबले पर बाकी क्यों रहो, तुमको मैं क्यों बाकी रखूं, चलो तुम भी अपना किबला बैतुल मक़दिस से बदल करके खाने काबा को कर लो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ पैगंबर हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देखते हैं, चलो अब बेहतर यह है कि अपना किबला बदल लो। ये किबले अव्वल जिसकी तरफ अल्लाह के आखिरी पैगंबर और आपके रफका हिजरत मदीना के बाद, मदीना आने के बाद में तकरीबन 16 या 17 महीने तक अपना किबला बना करके उसकी तरफ अपना रुख करके अल्लाह की इबादत करते रहे, नमाजें अदा करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस किबले को बदल करके खाने काबा कर दिया जिसे सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तो अब यहां इसकी तफसील में अगर जाएंगे तो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से हमारा और आपका किबला बैतुल मक़दिस से खाने काबा हुआ, जो अभी भी है और क़यामत तक अब यही किबला रहेगा। हम तमाम मुसलमानों का, किसी भी मकतबे फिक्र के हों, किसी भी जमात के, किसी भी मसलक के हों, सबका एक ही किबला है। और
उस क़िबले अव्वल के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई एक हदीसें मरवी हैं उसकी फजीलत के बारे में, उसकी रिफात के बारे में, उसके मकाम और उसके मरातिब के बारे में कई एक हदीसें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तीन मस्जिदों के अलावा सवाब की नीयत से किसी और मस्जिद की तरफ हिजरत करना, जियारत करना, सफर करना जायज नहीं है। वो तीन मस्जिदों में से एक मस्जिद खाने काबा, जिसमें एक वक्त की नमाज का सवाब दीगर तमाम मसाजिद के मुकाबले में, अगर आपने उसमें एक वक्त नमाज पढ़ लिया तो ऐसा समझो कि तमाम मस्जिदों में आपने 1,00,000 रकत नमाज पढ़ी है, इतना सवाब है, इतना काफी, यानी उसका मकाम और उसकी आजमत का यह आलम है खाने काबा की। और दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में अगर आपने एक वक्त की नमाज पढ़ी तो गोया कि दीगर तमाम मसाजिद में आपने 1,000 वक्त की नमाज पढ़ी। और तीसरी मस्जिद जहां पर जिसकी जियारत सवाब की नीयत से जायज है, जिसकी तरफ सफर करना सवाब की नीयत से जायज है, वो मस्जिद अक्सा है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में तजदीद किया था, जिसे हैकले सुलेमानी के नाम से हम और आप जानते हैं और पहचानते हैं, जिसमें एक वक्त की आपने नमाज पढ़ी तो गोया की दीगर तमाम मसाजिद में आपने 500 वक्त की नमाज पढ़ी। और यही वो क़िबले अव्वल है जिसकी तरफ अल्लाह के नबी ने अपने जिंदगी के आखिरी मरहले में गालिबन सन 8 हिजरी में मुजाहिदीन का एक लश्कर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक जमात को रवाना किया था उसी की तरफ जिसे हम और आप जंगे मौता के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की ख्वाहिश थी कि मुसलमान कब जो है पावर में आ जाएं, मुसलमानों के पास कब ताकत हो जाए, इन यहूदियों को, इन नसरानियों को, इन क्रिश्चनों को जो है मस्जिद अक्सा से खदेड़ दिया जाए, इन्हें भगा दिया जाए और मस्जिद अक्सा की मुकद्दस और पाकीजा जमीन को पाक साफ कर दिया जाए, इनकी गलाजतों से, इनकी नापाकियों से, इनकी बदअकीदगियों से उस मुकद्दस जगह को पाक साफ कर दिया जाए। ये अल्लाह के नबी की जो है आखिरी ख्वाहिश थी। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह के नबी ने सहाबा किराम के तकरीबन 3,000 लोगों का जो 3,000 लोगों की जमात पर यह लश्कर जो है मुश्तमिल था, 3,000 की जमात को अल्लाह के नबी ने मकाम मौता की तरफ रवाना किया रोमियों के सर को कुचलने के लिए और कायद बनाया ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत की, कहा देखो ये ज़ैद इस लश्कर के कायद आजम हैं, इनकी क़ियादत में तुम्हें ये जंग लड़नी है, ज़ैद बिन हारिसा को अगर कुछ होता है तो इनके बाद झंडा संभालेंगे मेरे जाफर बिन अबी तालिब, हैं ये इनकी जिम्मेदारी होगी, इन्हें आप लोग अपना कायद बना लेना, जाफर बिन अबी तालिब को अगर कुछ होता है यानी अगर ये शहीद होते हैं अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को अपना कायद बना लेना, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी अगर शहीद हो जाते हैं तो मुसलमानों अपनी मर्जी से आपसी मशवरे से जिसको चाहे ना अपना कायद बना लेना। और मुसलमानों रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये 3,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल जो लश्कर था मुकाबला कितने से था, मुकाबला कितने से था, 2,00,000 रोमियों से मुकाबले के लिए 3,000 सिपाही जा रहे थे, मुकाबले में 2,00,000 सिपाही थे दुश्मनों के। सहाबा किराम ने जब देखा कि हमारा मुखालिफ, हमारा दुश्मन एक बहुत बड़ी लश्कर लेकर के उतरा हुआ है, शुरू में घबराए, परेशान हुए, मशवरा करने लगे। यह तय हुआ अल्लाह के नबी को खत लिखा जाए और नबी से मशवरा लिया जाए। अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा खड़े हुए, कहने लगे यारों मशवरे की बात करते हो,
मेरे नबी ने दुश्मनों के सर को कुचलने के लिए भेजा है और मशवरे की बात करते हो। अल्लाह की कसम, हम खत लिखने वाले नहीं, दोबारा मशवरा करने वाले नहीं। ये मेरे नबी का हुक्म है, ये मेरे नबी ने हमें पावर दिया है, ये मेरे नबी का परमिशन है। हम इजाजत ले, दोबारा मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम मरेंगे मकामे शहादत हासिल होगा, अगर हम जीतेंगे गाजी बनेंगे। दोनों सूरतों में, दोनों हालतों में हमारे लिए कामयाबी है, कामयाबी रखा हुआ है रब्बुल आलमीन ने हमारे मुकद्दर में, हमारे तकदीर में। लिहाजा हम वापस जाने वाले नहीं हैं। 3000 सिपाहियों को पैगंबर इस्लाम ने 2,00,000 दुश्मनों से मुकद्दस जमीन को, बैतुल मक़दिस को पाको साफ करने के लिए रवाना किया कि उन्हें जाकर के वहां से खदेड़ दो। और खुद तारीख का यह अजीब गरीब नक्शा सोच भी नहीं सकते मुसलमानों, आज हम अरबों की तादाद में हैं, जगह जगह पर कट रहे हैं, जगह जगह पर पिट रहे हैं, जगह जगह पर लुट रहे हैं। ये आपसी नाइतफाकी है, ये आपसी इंतशार है, ये आपसी इंतशार इख्तलाफ, ये आपसी अदावत और बगावत और दुश्मनी है। अगर हम मुत्तफिक होते तो इन दुनिया वालों को क्या मजाल, जिस कौम के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुसलमानों, अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम्हारे रोब का ये आलम होगा, ये गैर इस्लाम जो है, दुश्मनान इस्लाम, तकरीबन 40 दिन की दूरी पर या 1 महीने की दूरी पर, इतनी दूरी पर होंगे वो, और तुम्हारा नाम सुन करके अपने पैंट और पैजामे गीले कर लेंगे, गीले पीले हो जाएंगे। लेकिन हमारी ना इत्तेफाकी, हमने दुश्मनों को अपनी ताकत का अंदाजा लगवाया, उन्हें बता दिया कि हमारे पास ताकत क्या है, हमारे पास पावर क्या है, हमारी हकीकत उनको मालूम हो गई कि हम मिलने वाले नहीं हैं, हम इतना टूट चुके हैं, जुड़ने वाले नहीं हैं, जुड़ने के काबिल नहीं है। इसलिए दुनिया, ये दुश्मनान इस्लाम, अल्लाह उसके नबी के दुश्मन, हमारे दुश्मन, हमारे मजहब के दुश्मन, हमारे अकीदे के दुश्मन, जहां चाहते हम मुसलमानों पर हम बराबर होते हैं, हम मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं, हम मुसलमानों को फुटबॉल की तरह से इधर से उधर लुढ़काते हैं। हमारे अंदर वो जोश पैदा हो जाए, जो जोश रब्बुल आलमीन ने अब्दुल्लाह इब्ने रबाहा में पैदा किया था, जाफर इब्ने अबी तालिब में पैदा किया था, ज़ैद बिन हारसा में पैदा किया था, इन तमाम को कायद आजम बनाया था, इन तमाम को जिम्मेदारियां दी थी, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। इनके साथ, इनकी सपोर्ट करने वाले, इनका साथ देने वाले, इनकी मदद करने वाले सिर्फ और सिर्फ 3000 थे, ज्यादा नहीं थे। 3,00,000 नहीं थे, 30,000 नहीं थे, 3 करोड़ नहीं थे। आज हम अरबों की तादाद में हैं, अरबों की तादाद में होने के बावजूद दुनिया इस तरह से गालिब आ गई मुसलमानों, बस हमारे सामने, हमारे सामने क्या बोलूं मैं, दुनिया को एक रोटी के टुकड़े की तरह से फेंक दिया गया, दुनिया समेटने में लगे हैं। अगर बुरी लगी तो माजरत चाहता हूं। पुरखों के जमाने में गांव में डाका पड़ते थे ना, रोका देते थे, चिट्ठियां देते थे, खत दे करके आते थे, तुम्हारे घर को लूटने के लिए, आने बचाना हो तो बचा लो। ये दुश्मन आज हमें रोका दे रहा है, ऐलानिया तौर पर हमारे घरों पर हमले कर रहे, लूट रहे। और जब वो डाकू गांव में जाते थे और कुत्ते कुछ आवाजें करते थे, भौंकते थे, तो क्या करते थे, उनके सामने रोटी के चंद टुकड़े डाल देते थे, वो खाने में मस्त मगन हो गया, उसके घर को पूरा लूट लिए, लूट कर फरार हो गए, भाग गए। यही हालात हमारी और आपकी हो चुकी है। दुनिया लूटने में, समेटने में, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। दुनिया वालों ने, दुश्मनों ने हमारे सामने रोटी का टुकड़ा डाल दिया, हम आवाज बंद कर लिए। और कोई होश में भी है तो डर रहा कि मारे जाएंगे। अरे क्यों मारे जाओगे, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे जो रिश्ते रब्बुल आलमीन से कमजोर हुए ना, जिन रिश्तों को हमने तोड़ा, जो कनेक्शन कट चुका, उस कनेक्शन को जोड़ लो, फिर से पावर आ जाएगी, फिर से पावर आ जाएगी। ये लाइट है ना, लाइट के कनेक्शन अगर काट दो, ये लाइट, ये रोशनी देना बंद कर देगा। लेकिन यही कनेक्शन अगर जोड़ दो तो दोबारा इसमें लाइट रोशनी आ जाती, सारे लोगों को रोशनी मिलती, ये मस्जिद पूरी रोशन, इस लाइट, इस कनेक्शन का कमाल है। और वही कनेक्शन अगर काट दो, अंधेरा। हमने जिस कनेक्शन को काटा है, वो कनेक्शन जोड़ ले अगर, अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर इतनी ताकत नहीं है, दुश्मनों के अंदर इतनी पावर नहीं है हमें हिला सके। सच्चे मुसलमान बनकर तो देखो, बन तो जाओ सच्चे मुसलमान, नमाजों के पाबंद तो बनो। एक बेचारा मुबल्लिग, एक दाई,
गले फाड़ फाड़ कर बोलता मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन दो, नहीं कुछ तो पांच वक्त की नमाजें तो पढ़ो, पांच वक्त की नमाजों में कभी अल्लाह तौफीक देगा अपने मजलूम भाइयों के लिए दुआ तो कर देंगे, अल्लाह हमारे मजलूम भाई जो दुनिया में जगह जगह पर पिट रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी जान की हिफाजत फरमा, उनके माल की हिफाजत फरमा, चाहे वो सरजमीन फिलिस्तीन हो, अहले फिलिस्तीन हो, या अहले त्रिपुरा हो, या दुनिया के किसी भी इलाके के रहने वाले मजलूम मुसलमान हो, हमारे भाई हो, कम से कम किसी वक्त तौफीक तो मिल जाएगी उनके हक में दुआएं खैर करने की। और याद रखना हमें मायूस होना नहीं चाहिए, ये हम नहीं जानते हैं इनमें से कौन मुस्तजाबुद दावत है, रब्बुल आलमीन किसकी दुआ को सुन ले, किसकी जबान से फरियाद निकले, अर्शे इलाही के दरवाजे को खटखटाए और रब्बुल आलमीन उसे शर्फ कबूलियत से नवाजे और दुनिया की तकदीर बदल दे। हमें मायूस होना नहीं चाहिए, बस अपने अमाल का जायजा लेकर के जहां कहीं गड़बड़ी हो, जहां कनेक्शन कटा नजर आए, उस कनेक्शन को मजबूत बनाने की जरूरत है, उसे जोड़ने की जरूरत है, रब्बुल आलमीन से अपने रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमें ईमान और अमाल का जायजा लेना चाहिए। ऐसे हालत में अब्दुल्लाह इब्ने रबाहा ने कहा हम वापस जाने वाले नहीं है, मेरे नबी ने हुक्म दे दिया हम उसको पूरा करके लौटेंगे, जाना है तो जाना है। तारीख का यह अजीब और गरीब नक्शा, 3000 सिपाही 2,00,000 से लड़ने जा रहे हैं, हम और आप होते तो इतना घबरा जाते, अल्लाह ही बेहतर जानता क्या क्या हो जाता हमारे साथ। अल्लाह के नबी खुद मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे हुए हैं और सरजमीन उर्दुन के करीब मकाम मौता जहां मुसलमान दुश्मनों से रूमियों से जंग लड़ रहे हैं वहां का नक्शा बयान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नबी साहिब मौजजा थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा था मस्जिद नबवी में बैठ करके मकाम उर्दुन के करीब सरजमीन मौता का नक्शा अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं जहां पर मुसलमान दुश्मनों से लड़ रहे थे, दुश्मनों को इख्तलाफ हुआ, एतराज हुआ, मुशरिकीन मक्का ने आपके मौजजात को झुठलाना चाहा, मेराज से वापस आए, बैतुल मक़दिस देखकर आए, जन्नत और जहन्नम देखा, लंबा सफर किया मामूली वक्त में, वापस आए मक्का में लोगों से बयान करने लगे कि आज मैंने बैतुल मक़दिस की तफरी की है, सैर करके किया है, दुश्मनों को मौका मिला, चलो अब इसको बेवकूफ और पागल साबित करने का बेहतर मौका मिला। अबू बकर के पास आए, कहने लगे अबू बकर ये बताओ अगर कोई ये कहे कि आज एक ही रात में बैतुल मक़दिस जाकर के वापस आया हूं क्या मानोगे? अबू बकर ने कहा यह नामुमकिन है। अबू बकर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, दुश्मनों को जवाब देने का मौका मिला, तुम्हारा साथी ये मोहम्मद जो है अलैहिस्सलाम ये तो दावा करता है एक ही रात में बैतुल मक़दिस गया वापस आ गया। अबू बकर ने बर्दस्ता कहा, बिना तरद्दुद कहा, अगर मेरे आका ने कहा है अल्लाह की कसम ये सच है कि आपका यही जवाब देना, आपका यही दिफा करना, आपका यही रद्द करना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में, अल्लाह के नबी ने उन्हें सिद्दीक अकबर का लकब दे दिया। सिद्दीक का लकब मिला, वापस आ गए, कहने लगे बैतुल मक़दिस देखकर आए? अल्लाह के नबी ने कहा देखकर आया, ये बताओ बैतुल मक़दिस में कितने पाए हैं, कितने खंभे हैं, कितने हैकल हैं? अल्लाह के नबी ने कहा देखो फला सिंत में फला खंभा है, फला सुतून है, फला हैकल है, फला नामी हैकल वो फला नामी खंभा, फला नामी सुतून वो फला नामी हैकल, हक्का बक्का रहेगा दुश्मन। अल्लाह अकबर, ये कैसे बयान कर रहा है? इसका मतलब ये सच कह रहा है। दुश्मन शर्मिंदा होकर के वापस लौटे, सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी भला मुमकिन कैसे हो सका, आप कैसे जवाब दे रहे थे? अल्लाह के नबी ने कहा ये दुश्मन जब मुझे झुठलाने के लिए मुझसे सवाल कर रहे थे, मेरे रब ने बैतुल मक़दिस का पूरा नक्शा मेरे सामने रख दिया था और उसी नक्शे को देख देख करके मैं दुश्मनों को जवाब दे रहा था। अल्लाह सच्चे लोगों की हिफाजत भी करता, उनकी मदद भी करता, उन पर अपनी रहमतें रहमत की बरखा भी बरसाता है, अपनी बरकत की बरखा भी बरसाता है, हमेशा वो रब्बुल आलमीन के साए में होते हैं जिनका ईमान सादिक होता है, उन्हें कभी जलील नहीं होने देता, जिल्लत और रुसवाई से रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत करता है। शर्त है सच्चे मुसलमान बन करके देखो, हमने सैकड़ों मरतबा मुशाहिदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिल्लत से बचाएगा, शर्त है सच्चे मुसलमान बन जाओ। हम खुद ही सोचे ये मामूली हैसियत के इंसान होने के बाद यहां बैठ करके अकोर्ट में बैठकर पूरी दुनिया का जायजा ले सकते हैं तो वो जात कितना पावरफुल होगा जिसने हमें और आपको इस काबिल बनाया कि पूरी दुनिया का जायजा ले ले।
उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता नहीं। शर्त है मुसलमानों, अपने आप को उसका गुलाम बना दो। शर्त है अपने आप को उसका गुलाम बना दो। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी गुलामी करते रहे, उसी का गुण गाते रहे, उसी के अस्कार करते रहे, उसी के तस्बीहात बयान करते रहे, उसी की किबियाई बयान करते रहे, उसी की बड़ाई बयान करते रहे, अपने आप को उसके हवाले कर दे। अल्लाह की कसम वो अर्श पर जो मुस्तफी रहमान है हमारे बाजू में ताकत दे देगा, हम दुनिया का दिफा करना सीख जाएंगे। बस अपने आप को उसके हवाले कर दो। और जिस दिन मुसलमानों उसके गुलामी में उसके हवाले हमने अपने आप को कर दिया, याद रखना वो अर्श पर जो रहमान बैठा हुआ है वो इंसाफ करता है। इंशाअल्लाह अज़ीम पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, दुश्मनों के गुरूर को ऐसा नेस्तो नाबूद करेगा, दुश्मनों के गुरूर को ऐसा कुचलेगा कि सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठ करके जो है मकामे मौता का नक्शा बयान कर रहे, कह रहे देखो जैद बिन हारसा झंडा संभाले हुए हैं, जैद बिन हारसा जो हैं दीन के खातिर लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी लोगों को बशारतें सुना रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आंख से आंसू बहने लगे, रोने लगे, रोते हुए कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लोगों जैद बिन हारसा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके। कहने लगे देखो अब अब्दुल्ला जो है मेरे जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा ले लिया है, दुश्मनों से वो मुकाबला कर रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं। देखो किसी जालिम ने उनके दाहिने हाथ पर वार कर दिया है, झंडा गिरने वाला था, जाफर बिन अबी तालिब ने झंडे को बाएं हाथ में ले लिया है, वो दाया हाथ कर करके जमीन पर गिर गया है। यहां से झंडे को टेक करके बाएं हाथ से लड़ाई कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कह रहे हैं देखो जालिमों ने जाफर बिन अबी तालिब के बाएं हाथ को भी काट दिया है, मेरे जाफर अब अपने सीने से झंडे को लगा दिया। कितना जोश और क्या जज्बा था, क्या ईमान सादिक था, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सीने में कैसी मोहब्बत थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को दिलोजान से कैसे फॉलो करते थे, आपके हकामात को कैसे लागू करते थे, अपनी जिंदगी में गैरों की जिंदगी में दुनिया वालों के सामने किस तरह से सीरत मुस्तफा को पेश करते थे और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। दुनिया वालों पूरी दुनिया को छोड़ देना, कुर्बान कर देना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को न छोड़ना, जान भी दे देना, जान की बाजी लगा देना। और ये सबूत दे दिया जैद बिन हारसा ने जाफर बिन अबी तालिब ने कि दुनिया के लोगों बैतुल मक़दिस को आजाद कराने में खून की बाजी लगा देना, अपनी जान की बाजी लगा देना, जिस खून के आखिरी कतरे बहा देना, लेकिन पूरी कोशिश करना इस बैतुल मक़दिस को आजाद कराने में, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश थी। आज फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हम इतने दुनिया के हरीस हो गए हैं, अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में, अपनी काश्तकारी में, अपनी फंदानी में, अपने अहलो आयाल में इतना मस्त मगन है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश थी उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह के नबी मजीद बशारतें दे रहे हैं, देखो अब देखो अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने झंडा ले लिया है, दुश्मनों से वो मुकाबला कर रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, कहा अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा भी शहीद हो चुके हैं अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मकाम मौता का नक्शा अपने नबी के सामने रख रहा था, और अल्लाह के नबी मकाम मौता का पूरा नक्शा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने बयान कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत भी करता, उसकी मदद भी करता, उसकी रहनुमाई भी करता है। अगर हम एक और नेक बन जाएं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं, दरियाओं को, सहराओं को अबूर करके, अटलांटिक को पार करके, इंशाअल्लाह दुश्मनों के सीने पर इस्लाम का परचम लहराने की ताकत रखते हैं। लेकिन शर्त है से सच्चे बन जाओ, नेक बन जाओ, अपने आप को जराइम से पाक कर लो, अपने आप को गुनाहों से पाक कर लो। लेकिन गुनाहों से पाक हम कैसे अपने आप को कर सकते, सुबह से लेकर के शाम तक जिस्म के हर पार्ट, जिस्म के हर आज़ा गुनाहों में लतपत होते हैं, गुनाहों में डूबे हुए होते हैं। हमारी नजर जब भी पड़ती है वो हमारी नजर जो है किसी ना किसी बुराई की तरफ जाती है, किसी ना किसी जुर्म की तरफ जाती है। हमारे आज़ा जो जिस तरफ भी उठते हैं किसी ना किसी गुनाह की तरफ जाते हैं, किसी ना किसी गलतकारी की तरफ जाते हैं। कैसे पाको साफ कर सकते, कैसे?
जिस दिन मुसलमानों अल्लाह की कसम हम एक और नेक हो गए, ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए, उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। अब खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बड़े मकाम मौता की बात है, ये नक्शे मौता है जो मुसलमान दुश्मनों से लड़ रहे थे। खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कामयाबी मंजूर न थी। ये कैसे भी करके, क्योंकि मुसलमान जो शिकस्त की तरफ जा रहे थे, मुसलमानों की हार हो रही थी, खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी होशियारी से मुसलमानों की मुठ्ठी भर जमात को बचा करके सीधा मदीना वापस आ गए। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी, ये बिल्कुल आखिरी मरहले की बातें हैं, दोबारा लश्कर तैयार किया। और जब दोबारा लश्कर तैयार किया मुजाहिदीन की, तो कायद किसको बनाया, कमांडर किसको बनाया फौजी, मालूम है? गुलाम इब्नुल गुलाम उसामा बिन जैद को नबी ने कमांडर बनाया अपने जिंदगी के आखिरी लश्कर के। गुलाम इब्नुल गुलाम, आज हम तमीज करते हैं, वो चौधरी घराने का है, वो खान बिरादरी का है, वो फला बिरादरी का है, वो सैयद बिरादरी का है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी मरहले में गुलाम इब्नुल गुलाम को कायद आजम बना करके, लश्कर के कमांडर बना करके, लश्कर की सरपरस्ती दे करके दुनिया वालों को यह मैसेज दिया, दुनिया वालों को पैगाम दिया कि यह मजहब इस्लाम इतना साफ सुथरा मजहब है, इतना पाकिजा मजहब है, ये छोटे बड़े की तमीज नहीं करता, अमीरों गरीब की तमीज नहीं करता, ये काले और गोरे की तमीज नहीं करता, गरीब और अमीर कुछ भी नहीं। इसमें नेकी, होशियारी, इल्म, फंदानी, ये तमाम चीजें मजहब इस्लाम देख करके किसी को मकाम अता करता है। वो चाहे गुलाम हो, किसी भी खानदान का हो, किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन अगर उसके अंदर वो सलाहियत है तो मजहब इस्लाम उसको मकाम देता है। ऐसा थोड़ो कि चौधरी बिरादरी का है तो उसका एहतराम किया जाए, कोई शाह बिरादरी का उसको पांव के तले रौदा जाए, अमीर है उसको सलाम किया जाए, सलाम अलैकुम, कोई फोर व्हीलर से चलने वाला है वो देख भी नहीं पा रहा उसको आवाजें देकर के सलाम अलैकुम बोल ले, और कोई बेचारा गरीब अगर है, बुजुर्ग है, गरीब है, शाह उसको सलाम नहीं करेंगे, अरे इज्जत सब वाट लग जाएगी ना, गरीब है। और मैं सिर्फ ये आम इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, ये उलमा की बात कर रहा हूं, उलमा की भी बात कर रहा हूं कि हमारे उलमा भी इस हद तक गिर चुके हैं कि वो भी गरीबों को बड़ी हकारत की नजर से देखते हैं। गरीब है उसका कोई वैल्यू नहीं, अमीर है उसका बहुत बड़ा मकाम है। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फालू कौन करेगा, संडियां रखने वाले, ये मोछे रखने वाले, क्या नाम है, सरदार भी फालू करेंगे, सरदार फालू नहीं करेंगे, ये सिंडिया रखने वाले, ये चुरकी रखने वाले फालू नहीं करेंगे, हमें और आपको फालू करना होगा। अगर मुसलमान है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका एहतराम करें, उसकी कदर करें। वो किसी भी मजहब इस्लाम ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, अगर सवारी हैं, आप सवारी पर हैं, पैदल वाले को सलाम करें, आप चल रहे बैठने वाले को सलाम करें, आप खड़े तो बैठने वाले को सलाम करें, समझ में आ रही? अल्लाह के नबी ने सलाम का एक उसूल बताया। अब वो बैठने वाला छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कारा काला हो, गोरा हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, किसी भी मकाम और मर्तबे का हो, उसको हमें सलाम करना चाहिए। स्कूलों में देखो हमारे टीचर्स हज़रात सलाम सिखाते हैं बच्चों को, जब कोई रूम में आए तो सलाम करना, कर लो सलाम, सलाम में पहल करो, सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस्लाम ने जो उसूल बताया है, आने वाला किसको सलाम करेगा, बैठने वालों को, फिर बैठने वाला आने वालों को क्यों सलाम करता है, इसलिए कि टीचर है ना, वो पढ़ा रहे, अब वो सलाम क्यों करेंगे, बेइज्जती हो जाएगा, अरे बच्चों को सलाम कर रहे उनकी बेइज्जती हो जाएगी, हाँ असातिज़ा की, टीचर्स की बेइज्जती होगी, क्यों वो बच्चों को सलाम कर रहे भाई। मुसलमानों जब तक इस्लामी उसूल फॉलो नहीं करोगे, इज्जत, बुलंदी, रिफात नहीं मिल सकती। किसी भी मकतबे फिक्र को, किसी भी जमात और मसलक के हो, सबके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह और उसके नबी के कानून को फॉलो करे। एक अल्लाह, एक नबी, एक क़िबला, एक कुरान, एक कायदा, अलग अलग नहीं।
तो अल्लाह के नबी ने अपने जिंदगी के आखिरी मरहले में अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक लश्कर तैयार किया, मस्जिद नबी को दुश्मनों से, क्या नाम है, मस्जिद अक्सा को दुश्मनों से पाक करने के लिए, मस्जिद अक्सा को दुश्मनों से पाक को साफ करने के लिए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मस्जिद अक्सा की तत्हीर कर दी जाए, ताकि दुनिया वाले ये ना कह सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में मस्जिद अक्सा की कोई वैल्यू नहीं थी, मस्जिद अक्सा को दुश्मनों से आजाद नहीं करवाया, खामोशी के साथ दुनिया से चले गए, दुनिया ताना देगी जाने के बाद। इसलिए अल्लाह के नबी ने मस्जिद अक्सा की तत्हीर की बुनियाद डाली कि दुनिया के लोगों अपने खून के आखिरी कतरे बहा देना, जिस तरह से ज़ैद बिन हारिसा ने बहाए हैं, जाफर बिन अबी तालिब ने बहाए हैं, अब्दुल्लाह इब्ने रबाहा ने बहाए हैं, मुसलमानों खून के आखिरी कतरे बहा देना, लेकिन मस्जिद अक्सा की तत्हीर के लिए, मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ना। तैयारी हुई, और मुसलमानों ऐसा थोड़ो कि ज़ैद बिन हारिसा ओसामा बिन ज़ैद ही सबसे पावरफुल थे, नहीं, यही अमीर और गरीब की तमीज खत्म करने के लिए, काले और गोरे की तमीज खत्म करने के लिए, आजाद और गुलामी की तमीज खत्म करने के लिए उसामा बिन ज़ैद को अल्लाह के नबी ने जो है कमांडर बना दिया। हालांकि बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा मौजूद थे, जर्नैल साहबी मौजूद थे, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े सरदाराने कुरैश मौजूद थे, सरदाराने मक्का उसी जमात में मौजूद थे, हजरत अबू बकर उमर जैसी शख्सियतें मौजूद थी, उस्मान अली जैसी शख्सियतें मौजूद थी, हजरत खालिद बिन वलीद जैसी शख्सियतें मौजूद थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसामा बिन ज़ैद को कमांडर बना दिया। कमांडर इनके हाथ में, गुलाम इब्ने गुलाम को कमांडर ही दे करके दुनिया के लोगों को एक अजीम मैसेज दिया कि मुसलमानों, कोई गुलाम हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, यह देख करके उसका एहतराम या उसका मकाम उजागर न करो। किसी भी जो है मसलक को मकतब फिक्र का हो और कैसा भी हो, उसका एहतराम करो, अगर वो शायद कलमा है। तो अभी ये लश्कर मकाम जुर्फ तक पहुंचा था, अल्लाह के नबी की वफात की खबर आ गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा किराम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, सहाबा किराम को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, वो लश्कर मकाम जुर्फ से आगे न बढ़ सका, वहीं पर ठहर गया कि अब क्या किया जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज व तकफीन के बाद अबू बकर जब खलीफतुल मुस्लिमीन चुने गए, अमीरुल मोमिनीन बनाए गए, अबू बकर ने सबसे पहला कदम उठाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो आखिरी ख्वाहिश थी तत्हीर बैतुल मक़दिस, आजादी बैतुल मक़दिस, इसको पूरा किया जाए, लश्कर उसामा को रवाना किया जाए। सहाबा किराम बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जवानबे मदीना से, मदीना के अतराफो कनाफ से जो है इर्तिदाद की बू आ रही थी, सहाबा किराम घबराए हुए थे, मुमकिन है कि अल्लाह के नबी इस दुनिया में नहीं है, ये अतराफ मदीना ये मुर्तद हो जाएंगे, इस्लाम छोड़ करके कुफ्र का रास्ता अख्तियार कर लेंगे, बेहतर है कि अतराफ मदीना पर अभी ध्यान दिया जाए, ख्याल किया जाए, इन्हें मुर्तद होने से रोका जाए, बाद में मकाम मौता में जाकर के रूमियों के सर को कुछ लेंगे जब हमारी तादाद बढ़ जाएगी। अबू बकर से सिफारिश कर रहे हैं, अबू बकर अभी मौता की तरफ लश्कर उसामा को रवाना न किया जाए, अभी हमें लश्कर की जरूरत है, सिपाहियों की जरूरत है, मुजाहिदीन की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, हमारी ताकत कमजोर है, हमारे पावर कमजोर है, पावर की जरूरत है, लिहाजा अबू बकर लश्कर उसामा को रवाना करने से अभी रुक जाए। अबू बकर ने कहा नहीं, अल्लाह की कसम यह नहीं हो सकता। हजरत उमर बिन खत्ताब आए, रौबदार शख्सियत, अबू बकर से कहने लगे, अबू बकर क्या ही बेहतर होता कि आप लश्कर उसामा को मकाम मौता की तरफ रवाना ना करते। हजरत अबू बकर गुस्से में आ गए, कहने लगे, उमर तुम्हें क्या हो गया है, तुम जब इस्लाम नहीं लाए थे तुम्हारे रोब का यह आलम था, शैतान भी तुम्हारा रास्ता देख करके छोड़ देता था, शैतान भी घबराता था, दुश्मनों को पसीने आ जाते थे, दुश्मन अपने पैंट गीले और पीले कर लेते थे, तुम्हारे रोब और दबदबे का यह आलम था, इस्लाम लाने के बाद इतनी नरमी कैसे आ गई, और ये कहते हो लश्कर उसामा को रवाना करने से बाज आ जाओ। अल्लाह की कसम, अगर कोई ये कहे कि आयशा बिनते अबू बकर को मदीना के अंदर जुबा कर दिया गया है, उसके जिस्म के गोश्त के टुकड़ों को मदीना के अंदर कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं, अल्लाह की कसम, तो ये इब्ने कहाफा जो है लश्कर उसामा को रवाना करने से तो भी बाज नहीं आएगा।
मैं वापस मदीना में वापस जाने वाला नहीं कि जाकर के मैं जो है अपनी बेटी की खैर खैरियत देखूं और ये इधर दुश्मन कुछ भी करे, मौज और मस्ती में रहे। अरे कैसे मशवरे दे रहा हूं, ये हमारे नबी की आखिरी ख्वाहिश थी। जिस लश्कर को नबी ने तैयार किया था और जिस शख्स को नबी ने कमांडर बनाया था, उस लश्कर को मैं रवाना करने से कैसे रोक सकता, ये नामुमकिन चीज है। अबू बकर ने लश्कर उसामा को रवाना भी किया, हजरत उसामा के पास आए, उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर सवार है, अमीरुल मोमिनीन को देखे घोड़े से नीचे उतरने लगे, अबू बकर आगे बढ़े, कहा उसामा मेरे नबी ने मेरे आका ने तुम्हें कायद बनाया है, तुम घोड़े पर सवार रहो, या ना देखो अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, मेरे नबी ने तुम्हें घोड़े पर बिठाया है, कायद बना करके, कमांडर बना करके, अमारत दे करके, अबू बकर को क्या मजाल तुम्हें घोड़े से उतार दे, नीचे न उतरना है, तुम्हारा मकाम है जो तुम्हारे नबी ने लिया। उसामा के पास आए, हाथ पकड़े, नसीहत कर रहे, उसामा दुश्मन के इलाके में जा रहे हो, दुश्मनों के इलाके में जा रहे हो, बड़ी होशियारी से रहना, बड़ी होशियारी से रहना, औरतों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, कमजोरों का, दरख्तों का, बागात का, खेती बाड़ी का, जानवरों का, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना, नुकसान न पहुंचाना, नुकसान न पहुंचाना। और देखो मेरे नबी ने तुम्हें कायद बनाया है, तुम्हें कमांडर बनाया है, ये तुम्हारा मकाम है कि तुम घोड़े पर सवार रहो। इस तरह से नसीहतें करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने लश्कर उसामा को मकाम मौता की तरफ रवाना किया, दुश्मनों के सर को कुचलने के लिए, रोमियों से जंग के लिए। इंशाअल्लाह और इस वक्त नहीं, चूंकि मौजू बड़ा लंबा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले नशिस्त में मजीद इसके आगे हम रखेंगे। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनाए, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों में क़िबले अव्वल की मोहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख्वाहिश को समझने की और उस आखिरी ख्वाहिश के एहतराम की तौफीक अनायत फरमाए, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हर किस्म के फितनों को समझने की और बड़ी दूरंदेशी और दानिशमंदी से उन तमाम फितनों से बचने और बचाने की तौफीक अनायत फरमाए। परवरदिगारा हमारे जो भी भाई और बहन दुनिया के किसी भी खित्ते में मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, दुश्मनों का कहर उन पर नाजिल हो रहा है, दुश्मनों के कब्जे में, दुश्मनों के नरगे में है, अल्लाह हमारे उन तमाम भाइयों, मजलूम भाइयों और बहनों की हिफाजत फरमा, उनके जानो माल की हिफाजत फरमा, उनके इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस धरती पर जो भी तेरी अलामत हैं, यानी मसाजिद की शक्ल में या किसी और शक्ल में जो दुश्मनों के जात से, दुश्मनों के जरिए से नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, अल्लाह उन तमाम अलामत की हिफाजत फरमा, उन तमाम निशानियों की हिफाजत फरमा, उन तमाम मुकद्दस मकामात की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सीरत मुस्तफा को सही तरीके से समझने की और अपने जिंदगी के हर गोशे में फॉलो करने की तौफीक अनायत फरमा। बारे इलाहा जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा, इस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सबका खात्मा ईमान बिलखैर हो, आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिलातिज़ ज़िक्रिल्लकुम इन्नहु तआला जवादुल करीम व मलकुम बर्रौफुर रहीम।